शराब दुकान वितरण व स्थलांतरण घोटाला मामले में जन विकास सेना के अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की सख्त वसूली संचालनालय की ओर से शिकायत की। नियम का उल्लंघन कर निवासी बस्ती में साथ ही अनाधिकृत बांधकाम किए इमारत में शराब की दुकान का स्थलांतरण और नए शराब दुकान का वितरण करना और उसमें 18 से 20 करोड़ रुपयों की आर्थिक लेनदेन होने का आरोप जन विकास सेना के अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने किया था। इस बारे में जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों नागरिकों के साथ मोर्चा निकालकर रिक्शा से पुरावे दिए थे। सोमवार सीधे देशमुख ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की सख्त वसूली संचालनालय की ओर शिकायत की है। इसमें जिलाधिकारी अजय गुल्हा ने पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधीक्षक संजय पाटिल, निरीक्षक मारुति पाटिल, दुय्यम निरीक्षक अमित शिरसागर, तत्कालीन अधीक्षक सागर धोमकर, मनपा आयुक्त राजेश मोहिते, तालुका भूमिलेख के उपाधीक्षक मिलिंद राउत इनके साथ जिले के विविध पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक इनका समावेश है। सोमवार जन विकास के पप्पू देशमुख, राहुल दडमल, गीतेश शेंडे आदि के शिष्टमंडल ने सख्त वसूली संचालनालय के नागपुर के उप संचालक कार्यालय पहुंचकर लिखी शिकायत की। नागपुर शहर एवं जिले में शराब के दुकानों का स्थानांतरण, नई शराब के दुकानों का वितरण करते समय 18 से 20 करोड़ रुपए की लेन देन करके चंद्रपुर के जिलाधिकारी श्री अजय गुल्ला ने, पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद साड़वे, जिला राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधीक्षक संजय पाटिल, उसके पहले के अधीक्षक श्री धोमकर, वैसे ही महानगर पालिका के आयुक्त राजेश मोहिते और तालुका उपनिबंधक कार्यालय के उप अधीक्षक श्री राउत, ऐसे अधिकारियों ने जाली कागज बना करके दारू दुकानों का वितरण करके और पैसे का लेन देन करके बड़े पैमाने पर धांधली की है। इसकी कंप्लेंट आज हमने नागपुर में ईडी ऑफिस में दी है और जब तक इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक जन विकास सेना की ये मुहिम चलती रहेगी। जन विकास सेना इसका फॉलोअप लेते रहेंगी। चंद्रपुर शहर एवं जिले में जहाँ पे निवासी बस्ती है, लोग रहते हैं, दवाखाना है, मंदिर है, ऐसी जगह पे पैसे लेकर के दारू दुकानों का वितरण किया है। लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तैयार हो रहा है। ऐसे इन अधिकारियों के खिलाफ चाहे वो कलेक्टर रहे, एसपी रहे, हम आखिरी दम तक इसका फॉलोअप लेते रहेंगे। जब तक इनको कड़ी सजा नहीं होती तब तक हम इनके लिए हर लेवल पर अपनी जन विकास सेना की ओर से हमारी कोशिश जारी रहेगी। ये हमारे चंद्रपुर के नागरिकों को, शहर के और जिले के, हमारी तरफ से आश्वासन है, हम आश्वस्त करते हैं और इन अधिकारियों को हमारा ये इशारा है।